हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं सैम बहादुर, सैम का बहादुर, विकी कौशल, मेघना गुलजार और लिखा है BTS। BTS क्या होता है भैया, बताना BTS का फुल फॉर्म क्या है? हमें नहीं पता, मेरे को नहीं पता। चलो देखते क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अरे वाह, बिहाइंड द सीन्स दिखा रहे हैं क्या, बनाते हुए का ट्रांसफॉर्म कि कैसे बना उसकी, कैसे क्या। फर्स्ट मीटिंग बिटवीन मी एंड मेघना ऑन सैम बहादुर हैपेंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019। बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर्स वी वुड मीट अप एवरी डे फॉर अबाउट 5 to 6 hours जस्ट टू डू रीडिंग सेशंस, डू वर्कशॉप्स, जस्ट इन जनरल जैम विद मेघना। I think the prep for Sam Bahadur has been tremendous and it's been very meticulous, and it all starts from the captain of the ship, Meghna Gulzar. She is so particular about each and every medal of the uniform, badges, buttons, the looks. As an actor, I don't think I've done these many number of look tests to just get the look right, and I think as a team we are very happy with the look that we've achieved for Sam Manekshaw. I think the level of detailing and prep required that much more because of the nature of the film. One, it's the, you know, two, it's Sam Manekshaw. Action! I remember my first day on set. When I saw him for the first time, I was completely blown away. I couldn't see Vicky anywhere. I could only see Sam and him. During the course of the film, I found that he has really done his homework so well. He's studied all the mannerisms, the way of talking, the way he should carry himself in a military manner, and more importantly, I don't think that anybody else would have done more justice to the character than Vicky has done. तो जाना जा रहा है वही बंदा। And how it's all being planned by the team is that we are shooting about 15 to 20 days every month and then taking the 10 to 15 days gap. In that gap, when we are in Bombay, we are prepping for some skill sets that I have to develop for Sam in his training days, primarily high jump and boxing. In today's time, high jump also as a sport has evolved a lot, but back in the time, the high jump was a scissor jump. It looks slightly simple and basic, but it is not that basic. He has given his soul, his every molecule into every part. And I think that one character that I've always noticed, Vicky, just being the person who's very respectful. ये producer है. पहले acting करता था ये. I remember. बहुत time से producer करता है. I think he stopped being Vicky Kaushal even when he was not in costume. I think he's absorbed a lot more than the mustache and the lenses and the costume. Let's see from the start. यार मैं भूल गई इसका मतलब। 1/12, 1/12 का मतलब है December 1st को आ रही है, राइट? ओह, मैं तो जनवरी 12। मैं भी पहले जनवरी सोच के बैठी थी। मुझे याद आया कि पिछली बारी जब हमने देखा था इसका क्या था, ट्रेलर था शायद, तब मैंने शायद बोल दिया था कि जनवरी में आ रही है, जनवरी 12 को।
तो फिर आपके कमेंट्स में मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा वो उल्टा पढ़ लिया क्या तो मेरे को इसका ना दिसंबर में ही आ रही है, बस आने वाली है। तो दिखाया इन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया है, काफ़ी सारे लुक स्ट्रेस टेस्ट किए, लुक टेस्ट हुआ, उसके बाद डिसाइड हुआ कैसे करना है। और भैया एक्टिंग तो बढ़िया है, वो तो हमने पहले भी ट्रेलर में बताया ही था। अब मेन क्वेश्चन है कि स्टोरी कितनी, मतलब एज क्लोज टू रियलिटी होती है। अगर तो एज क्लोज टू रियलिटी की है देन इट्स गोइंग टू बी, तब तो ये मूवी कमाल की होएगी। और वो कह भी रहे हैं कि हमने बहुत स्टडी किया है, और जो मेघना है उसने हर चीज़ का ध्यान किया हुआ है, यहाँ तक कि भैया कौन से मेडल्स लगे होने चाहिए वो सब प्रॉपरली देखा गया, क्योंकि कई बार होता है ना बना देते हैं मेडल्स, गलत लगा दिए, यूनिफॉर्म ठीक नहीं होती, तो वो छोटे छोटे फ्लॉज भी कर देते हैं लोग। तो वो सब कह तो रहे हैं कि ध्यान से बहुत किया है, और एक्टिंग तो कमाल की है ही। तो अब तो वेट हो रही है मूवी की, देख के बताना है, फिर पता करेंगे कि वाकई में वो कमाल किया कि नहीं। बहुत अच्छी थी भैया, बहुत अच्छा किया था, स्पेशली जैसे थोड़ा सा ऐसे करके बनाना, एक्टिंग करनी यूं करके, वो यूं करके, और थोड़ी मतलब बॉडी को मस्कुलर करना, पतला करना, आई में लेंजेज लगाए हैं, हेयर करना, वो सब करना, इट वॉज वेरी नाइस, अदर देन जो मैंने पहले कहा था कम्प्लेक्शन। मगर ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड, अभी जो उन्होंने दिखाया है उससे और एप्रिसिएशन बढ़ गई है मूवी की। इट लुकिंग लाइक अ वेरी गुड मूवी, मैं तो बोलूँगा आई विल वॉच इट, अभी ये देख के मैं कह रहा हूँ आई विल डेफिनेटली वॉच दिस मूवी, लुकिंग वेरी गुड। अभी जितना दिखाया है बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत समय बाद बन रही है जो हमारे सोल्जर्स को मोटिवेट करेगी, और अपने देश की बात कर रही है, दिखा रही है कैसे एक बंदे ने इतना सब कुछ किया अपने देश के लिए, कितना क्रिटिकल था वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग करनी थी, इतना कुछ हुआ था। अच्छी बात है कि वो थे, अगर सैम मानिकशॉ नहीं होते तो और भी बुरा हाल होता, इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम कि बहुत कुछ अचीव हुआ। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड दिस इज गोइंग टू हाईलाइट हिज अचीवमेंट विच इज़ ग्रेट, एंड मोटिवेट करेंगे कि जो जो इस पोस्ट में आते हैं या पोजिशन पे आते हैं कि भैया ट्रू लीडर कैसे, हाँ कि ऐसे बनो, एंड इफ फॉर द कंट्री, अगर आपको मिनिस्टर से भी लड़ना पड़ रहा है तो वो भी करो, क्योंकि आजकल की सिचुएशन क्या है, मिनिस्टर्स जो है तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, उनको पता नहीं पता, पता कुछ नहीं होता, वो बन जाते हैं दादे कंट्री की, मतलब रक्षा करना है एक सोल्जर ने तो भैया उसकी तुमको सुन के डिसाइड करना चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें कई ऐसे सीन्स हैं जिसमें बोला भी है, देशभक्ति वाली मूवी है, इट इज वेरी गुड, की देश हिस्ट्री भी पता चलेगी, हिस्ट्री भी पता चलेगी, बहुत कुछ पता चलेगा, एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे इंडिया ने विक्ट्री हासिल की, एग्जैक्टली कितने स्ट्रगल, कैसे इंडिया आगे जा सकता था, फिशर नहीं जा पाया, क्यों नहीं जा पाया, जो भी है, तो इट वॉज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा लिया है एक्टर, जिसको वो प्ले करना था करेक्टर, वो भी बहुत अच्छा लिया है, और एक्साइटमेंट तो बढ़ी हुई है, और अभी इसको देख के ये भी दिख रहा है कि बहुत हार्डवर्क भी किया गया है, तो दिस हैज टू, एक्सपेक्टेशंस हाई है, और लग भी रहा है कि भैया इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मूवी, तो एक्साइटेड है, बस थोड़ी दिन में आने वाली है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।